सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सेम वर्क होता है, बट लाइक जैसे हम डिक्शनरी में करते थे, वी नीड टू पास ऑन द इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स आपने पास कर दिया टू, देन इट विल गिव यू द रो। बट देर इज इंटरेस्टिंग स्लाइसिंग में है, मतलब इसका तो थोड़ा इंटरेस्ट स्लाइसिंग की तरफ ज्यादा है। आप डेटा फ्रेम लिखोगे, डीएफ इज इक्वल टू रीड सीएसवी, और जो भी आपने डेटा फ्रेम किया होगा, नहीं तो पीडी डॉट रीड एसक्यूएल, पीडी डॉट रन क्वेरी, ऐसा करके कुछ डेटा फ्रेम बनाया होगा। सो हमने यहाँ पे कोविड डेटा फ्रेम बनाया है। सो हियर स्लाइस करना है, मतलब पूरा कॉलम मुझे कट करना है, तो आई डोंट हैव टू गिव इंडेक्स, मैं डायरेक्टली कॉलम का नाम लिख सकता हूँ, देखिए न्यू केसेस। इससे क्या होगा, इसमें से मेरे न्यू केसेस जितने हैं कॉलम में वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? व्हाट इफ आपको लिमिटेड, मतलब दो तीन रोज एंड दो तीन कॉलम्स चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन में चाहिए, क्योंकि वन डायमेंशनल रहता है तो आई कैन ओनली पास नंबर 0, 1, 2, 3 जैसे लिस्ट में होता था, बट ये टू डायमेंशनल है तो मुझे दोनों चाहिए, एक्स एंड वाई और रो एंड कॉलम। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कैसे डायरेक्टली आप रोज एंड कॉलम्स पास कर सकते हो। देखिए दिस इज माई कॉलम, ये कॉलम है मेरा एंड ये रो नंबर है, राइट? रो एंड कॉलम ऐसे पास कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट। मतलब कोविड डीएफ न्यू केसेस, कोविड डीएफ पूरा डेटा फ्रेम, उसमें से एक कॉलम कॉल्ड न्यू केसेस, ओहो हो बैच शुरू है। हाँ ठीक, ओके। सो उसमें से इंडिविजुअल नंबर आपको निकालना है, तो देन यू कैन पास ऑन इंडेक्स, जैसे हम पहले पास करते थे लिस्ट टपल में, राइट? बिकॉज दिस इज अ वन डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल होता है, तो इसलिए उसके आगे आप एक सिर्फ इंडेक्स वगैरह पास करते हो, राइट? तो सेम एग्जांपल यहाँ पे है, कोविड डीएफ डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है, तो यू कैन यूज डॉट, यू कैन यूज एट, यू कैन यूज आई लॉक, राइट? हमने अलग अलग इंडेक्सिंग के मेथड्स है, विच एवर मेथड इज सुटेबल टू यू, मतलब आप, आपको विच एवर यू फील कंफर्टेबल यू यू कैन यूज, लॉक है, आई लॉक है, एट है, आई एट है, नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट? स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, दिस इज डॉट एट आई, ये हमने देखा। इफ यू सी बाय द वे, टाइप वगैरह चेक करोगे तो दिस कम्स एज अ, कई कई बार सीरीज आता है, कई कई बार पांडास डेटा फ्रेम एज अ टाइप आता है, राइट? लॉक वगैरह, ये आई लॉक, आई लॉक में हम क्या इंडेक्स पास करते हैं, लॉक में लोकेशन पास करते हैं, एज इन एग्जैक्ट, ये देखिए 108.2.1.1.3 कंप्लीट लोकेशन, मतलब तीन चार रोज है, ऐसा मल्टीपल आपको कुछ करना है तो लॉक, आई लॉक में हमेशा यू पास ऑन एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब 1111, मतलब 1111, सो दैट रो विल बी, यू विल गेट आउटपुट दैट कंप्लीट रो, डेट, इस रो में डेट क्या था, न्यू केसेस क्या थे, न्यू डेथ्स क्या थे, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा, बट आपको ये हो गया एग्जैक्ट लोकेशन, इसको बोलते हैं, यू कैन, मतलब आपको याद रखना है तो मोस्टली दिस इंडेक्स बेस्ड लोकेशन है वो, आई लोकेशन मतलब इंडेक्स लोकेशन, एग्जैक्ट इंडेक्स आपको देना पड़ता है, सिर्फ लोकेशन में एग्जैक्ट इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जितना चाहिए वो रोज कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है लोकेशन, एट इज द लोकेशन, रो एंड कॉलम आपको देना पड़ेगा उस पॉइंट पे, और उस रो में उस कॉलम में क्या है, ऐसे विच एवर यू फील कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही मेथड अच्छा है वो मेथड अच्छा है, इंडेक्सिंग का है जो हम पहले देखते थे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सेम फिनोमिनन और सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। जस्ट लाइब्रेरीज, ठीक है, लेट्स
iloc. Then we'll come to the one point now. Operations कैसे करना है data frame में. अभी तक हमने देखा कि data frame कैसे create होता है, data frame कैसे access करना है. Access में अलग दो indexing and slicing. Same. हम फिर mathematical operation, then methods, and then we can see all the जो भी बचा हुआ data frame से related कुछ concepts है वो देखेंगे. Same process follow कर रहे हैं. If you are observing, पहले कैसे create करना है. कुछ भी हो, फिर लिस्ट, टपल, सीरीज, व्हाटएवर, देन उसको एक्सेस कैसे करना है, एलिमेंट्स, राइट. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप आता है ऑपरेशंस, मैथमेटिकल, लॉजिकल, जो भी है, वो स्ट्रिंग रहे, कुछ भी हो जाए, हमने उस सारे डेटा टाइप्स पे यही मेथड फॉलो किया है, राइट. देन उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स, मेथड्स नहीं तो फंक्शंस जो भी अवेलेबल है. देन स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस मतलब एडिशनल इन रियल लाइफ में कहा, मतलब लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी में डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, राइट. वैसे भी डेटा फ्रेम का डेटा फ्रेम रिलेटेड कहाँ पे यूज होता है वो देखेंगे. अभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं. इट्स वर्क सेम, प्लस कॉलम वन प्लस कॉलम टू आप करोगे डायरेक्टली एड होगा मैथमेटिकल, जैसे सीरीज में एड होता है. और ये डेटा फ्रेम नाम का हमारा एक डेटा फ्रेम है, उसमें कॉलम थ्री एड कर सकते हो. उस कॉलम थ्री में क्या इंफॉर्मेशन जाएगा, जो कॉलम वन में डेटा है एंड कॉलम टू में डेटा है, उस दोनों का एडिशन होके आंसर कॉलम थ्री में स्टोर होगा. ओके, लेट मी, कहाँ पे है डेटा फ्रेम, लोड किया है क्या हमने कहीं. डेटा फ्रेम हाँ यहाँ पे है. ओके ये देखिए कॉलम वन कॉलम टू है. दिस लोड कर सकता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन. देखिए कॉलम थ्री, फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस फाइव सेवन, डायरेक्टली नया कॉलम क्रिएट हो जाता है, उस कॉलम के अंदर डेटा भी इंसर्ट हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट. नॉट ओनली दिस, यू कैन एग्जीक्यूट, ओवरराइड हो जाएगा कॉलम थ्री में, माइनस हो जाएगा कॉलम वन माइनस कॉलम टू. बट वॉट आई एम डूइंग, एग्जैक्ट कॉलम का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं. देखिए अभी इसमें एट लगा कि आपको एट कॉलम सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू यूज डॉट ऑपरेटर, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम वन, दैट इज आल्सो पॉसिबल. व्हिचएवर सिलेक्शन के लिए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में जो हमने सीखा है वो सब कुछ आप यूज कर सकते हो. सो प्लस माइनस, देन मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, इतने ही रहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट. लॉजिकल देखिए आप, इसके बाद आप वो भी लाइक this raise to वो सब factorial, exponential, वो सब कुछ work होगा. आपको सिर्फ mathematical formula pass करना है उस column के आगे. तो वो column में जैसे excel में होता था ना, first cell में हम formula लगाते थे, double click, autofill हो जाता था, same way यहाँ पे करना है. column 3 select कीजिए data frame से, is equal to data frame column 1, divide करना है तो divide, multiply करना है तो multiply, okay. लॉजिकल ऑपरेटर्स आप देख सकते हो, कॉलम थ्री एंड कॉलम फोर आई हैव क्रिएटेड, उस पे लॉजिकल ऑपरेटर इज कॉलम थ्री में ग्रेटर देन 50 कितने हैं. बाय द वे व्हाट शुड बी द आंसर, लॉजिकल ऑपरेशंस का आंसर क्या आता है, बुलियन. तो यहाँ पे आ रहा है क्या, देखिए वो कंपेयर कर रहा है कॉलम थ्री में जो डेटा है उसका कंपेरिजन हो रहा है 50 से. कॉलम थ्री में कौन है, 10. 10 इज 10 ग्रेटर देन 50, false, right. Is 34 greater than 50, false. Is 57 greater than 50, true. और ये क्यों वर्क होता है, ब्रॉडकास्टिंग हर एक एलिमेंट के साथ ये जाके कैलकुलेशन कर देता है, राइट. हमने वॉट एवर वी हैव रिटन इज ओनली फॉर वन लाइन, मतलब कॉलम के लिए लिखा है, बट कंप्लीट कॉलम से कॉलम के अंदर हर एक एलिमेंट पे ये कैलकुलेशन होंगे और ये लॉजिकल ऑपरेशन होंगे. Okay. By the way, without practice, you will not understand. And this is not a rocket science. हमने ये बहुत बार सीखा है. Each and every data type में हम यही process follow कर रहे हैं. Right? Mathematical, logical, जो भी processes है. Okay, let's read one more file. Madam, इधर दे R पाई जाता तुम्हाला. इफ यू ज्यांनी प्रॅक्टिस केलं, इफ यू मिस दिस आर, तुमचं फाईल लोड नाही होत.
आर रॉ फॉर्मेट ओके मध्ये कन्वर्ट करते स्ट्रिंगला, रॉ फॉर्मेट मध्ये, RAW फॉर्मेट. RAW चा अर्थ काय? रॉ फॉर्मेट इज मीनिंग, स्पेशल मीनिंग आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मध्ये स्पेशल मीनिंग म्हणजे स्लॅश वगैरे जर वापरला असेल, स्लॅश एन, स्लॅश टी, स्लॅश सी, यांना स्पेशल मीनिंग आहे पायथन मध्ये, त्यांना म्हणतात एस्केप सिक्वेन्स. तर ते एस्केप सिक्वेन्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण ते आर वापरतो. ओके, जसं जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल देन यू विल रिअलाइज व्हॉट इज एस्केप सिक्वेन्स अँड वाय इट इज हॅपनिंग. तर तुम्ही जेव्हा डॉक्युमेंटेशन रेफर कराल तिथे एस्केप सिक्वेन्स वरती पूर्ण एक टेबल दिलाय, 5 ते 6 एस्केप सिक्वेन्स आहेत. स्लॅश टी लिहिला की तो टॅब घेतो, असं वेगवेगळे 5 ते 6 कमांड आहेत. और स्ट्रिंगचे मेथड्स आहेत, स्लॅश टी, स्लॅश एन केलं की न्यू लाईन. ओके, न्यू लाईन मे वो चला जातो. सो दॅट्स ऑल यू कॅन लर्न इफ यू प्रॅक्टिस. ओके, फ्यू मोर एक्झाम्पल. तुम्हाला एक मी डेटा फ्रेम क्रिएट केलाय, हाय न्यू क्लासेस इज इक्वल टू कोविड, इथं डॉट ऑपरेटर वापरले. आय कॅन यूज स्क्वेअर ऑल्सो, बट आय यूज अ डॉट डॉट ऑपरेटर अँड आय एम युजिंग द लॉजिकल. बट आय वॉन्ट यू टू ऑब्झर्व डिफरन्स क्या है, यहाँ पे डिफरन्स और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कैन एनी वन टेल? डेटा टाइप इज अ डिफरेंस. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अ डेटा फ्रेम, इसका आउटपुट डेटा फ्रेम है, इसका आउटपुट सीरीज है. सीरीज पांडा सीरीज, इससे पहले जो हम सीख रहे थे ना, आउटपुट इज सीरीज. सीरीज है तो डॉट ऑपरेटर लगा के यू कैन यूज इंडेक्सिंग, राइट? ओके, यहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह और बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगेन और थोड़े देयर इज सम एग्जांपल रिलेटेड टू फंक्शन. ये डेटा फ्रेम है, डॉट सैंपल नाम का एक मेथड हमने यूज किया है. हाउ आई फाउंड आउट दिस इज अ मेथड? डॉट लगाया है एज वेल एज कुछ मेथड का नाम है एंड देन पैरेंथेसिस, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ मेथड. फिर मेथड सैंपल 2, सैंपल 5, ये क्या करता है, सैंपल रिकॉर्ड्स मुझे फेच करके देता है, रैंडमली 5 लाइन मेरे डेटा में से निकाल के देगा. ओके, कंप्लीट लाइन इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड्स. इफ यू पुट 6, इट विल बी अ रैंडम, एवरी टाइम इट विल टेक अ रैंडम गेस, यू विल नॉट गेट अ सेम. 207 से स्टार्ट हो रहा है, इफ आई री रन अगेन. Then, जो सीरीज है, वट एवर सीरीज वी हैव, लॉजिकल ऑपरेशन बुलियन आउटपुट कैन बी कैरिड, मतलब बुलियन मास्किंग वगैरह, मास्किंग अनमास्किंग ऑफ बुलियन, याद है क्या किसी को? हम ट्रू एंड फॉल्स पास करते थे सेम डेटा फ्रेम, नहीं तो सेम सीरीज को. इफ यू सी इसका आंसर क्या आएगा अंदर वाले का, दिस इज नथिंग बट बुलियन, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन है ना. ओके ठीक है, लेट मी रन हियर. देखिए ट्रू एंड फॉल्स, अभी इसको कन्वर्ट करना है एक्चुअल डेटा में, तो कैसे करते थे, हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और इसके आगे सिर्फ किसका कोविड डीएफ ये पास कर सकते हो आप, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो. जहां जहां पे ट्रू वैल्यू आए वहां पर रिकॉर्ड आ जाएगा आपका, 68, 69, 70, 72, ये सब ट्रू है इसलिए हमें वो आउटपुट आ रहा है. बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग, राइट? ओके, मेथड्स विल सी सम मेथड्स ऑन द डेटा फ्रेम. बाय द वे मेथड्स वगैरह सब, इफ ऑल द मेथड्स आर देयर इन द डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो यू विल गेट इट. बट इन शॉर्ट मे बी व्हाट वी कैन डू इज covid.df, there is something called info, method called info. ये info क्या करता है? You will get all the information about आपके data. Data में कितने columns है, कितने complete records है, there are 248 records. Then कितने non-null record है, non-null,
नल नहीं, मतलब 248 आर नॉन नल, मतलब 248 रिकॉर्ड्स में डेटा है। यहाँ पे बोल रहा है 135, मतलब 135 रोज में डेटा है, बाकी जो बचा हुआ जितना भी माइनस आएगा उसमें डेटा नहीं है, राइट? क्योंकि टोटल कितने हैं, 248, आउट ऑफ विच 135 में डेटा है, तो रिमेनिंग क्या होगा, ब्लैंक होगा और नल होगा, राइट? सो ये इंफॉर्मेशन आपको पता चलता है यूजिंग इन्फो। यहाँ पे माइनस कितना हो गया देखिए, मतलब 113 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें नल वैल्यूज है, राइट? वैसे ही और एक है, जैसा df.info आप करते हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटा सेट, और नल वैल्यू रिलेटेड डिस्क्राइब करके भी एक फंक्शन है, डिस्क्राइब। तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको देता है। स्टैटिस्टिकल मतलब काउंट क्या है, मीन एवरेज क्या है हर एक कॉलम का, मीन मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, 50 परसेंटाइल क्या है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो आपके डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देगा ये, राइट? क्लियर एवरीवन? छोटे छोटे मेथड्स हैं, df.info, df.describe, ऑल द मेथड्स अवेलेबल ऑन द डेटा फ्रेम, और बहुत छोटे छोटे हेड, टेल, कॉलम, डेटा टाइप, शेप। हेड में क्या आएगा, इनिशियल फर्स्ट 5 रोज आएंगे हेड, राइट? और हेड में 15 पास करोगे तो फर्स्ट 15 रिकॉर्ड्स आएंगे आपको, 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे खत्म होता है। टेल में क्या आएगा, आखिरी के 5। बट हाउ आई एम रनिंग द कोड इज ऑन द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट टेल। व्हाट इज दिस टेल, टेल इज नथिंग बट मेथड। मेथड क्यों, क्योंकि हमने डेटा फ्रेम के ऊपर ये यूज किया है, राइट? डॉट ऑपरेटर है, क्लियर? सो बहुत छोटे सिंपल सिंपल फंक्शंस आर देयर, हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब, सैंपल, ये सारे हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए ये यूज होते हैं। 4-5 फंक्शंस डेटा लोड कीजिए और ये सारे आप चेक कीजिए, हाउ इट एग्जीक्यूट, क्या क्या वैल्यू है। df डॉट कॉलम से क्या आएगा, कॉलम के नाम आएंगे, पूरे कॉलम्स के नाम। df डॉट डी टाइप डेटा टाइप आएगा, हर एक कॉलम का डेटा टाइप। शेप से क्या आएगा, रो एंड कॉलम कितने हैं वो आएगा, 248 रोज 4 कॉलम्स ऐसे। एंड दिस इन्फो डॉट सम और इज डॉट सम नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ऐड करता है न्यू केसेस। एक मेरा डेटा फ्रेम है उसमें न्यू केसेस नाम का एक कॉलम है, उस कॉलम का टोटल एडिशन करना है तो डॉट सम नाम का फंक्शन यूज कीजिए। जैसे लिस्ट डॉट सम करते थे, यहाँ पे लिस्ट आपको निकालना है तो कैसे करना है, पहले तो डेटा फ्रेम है 2 डायमेंशनल, उसको 1 डायमेंशनल करना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू यूज अ फंक्शंस जो भी मेथड्स है, राइट? तो कोविड डीएफ डॉट न्यू केसेस डॉट सम ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। सब आ जाएगा यहाँ पे, इफ आई, हाँ, सम की जगह इफ आई यूज मिन इट विल गिव मी अ मिनिमम नंबर, इफ आई गिव अ मैक्स इट विल गिव मी अ मैक्सिमम नंबर, इफ आई गिव मीन इट गिव मी एन एवरेज नंबर। तो ऑल द कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन अवेलेबल है आपके पास, है ना? देन सॉफ्ट कॉपी, कॉपी शैलो कॉपी, डीप कॉपी, यहाँ पे भी वर्क होता ही है सेम। ये देखिए डॉट कॉपी, ये कोविड डीएफ डॉट कॉपी, ये डेटा फ्रेम मेरा डॉट कॉपी, राइट? दिस इज हाउ वी यूज डीप कॉपी, शालो कॉपी। आपको मेथड्स वगैरह कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन लिंक है ऊपर, आई गेस प्रीवियस लेक्चर आया था, डॉक्यूमेंटेशन सारे पता चलेगा। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, 60-70 फंक्शन सारे, तो आप लोग 5-5 फंक्शन करेंगे तो यू विल डिस्कनेक्ट। जस्ट अ सेकंड, पांडास डॉक्यूमेंटेशन, फंक्शन है यहाँ पे, राइट? सीरीज का है, डेटा फ्रेम से रिलेटेड है, ऑल दोस ऑप्शंस आर अवेलेबल।
Okay. I have one more lecture. I will ask Power BI sir to finish it earlier because it was from 5:45, right? So या वीक मध्ये थोडं लेक्चर शॉर्ट होत आहे तुमचे कारण देर इज वन मोर बॅच, ते थोडं अनप्लॅन्ड झालेलं आहे बिकॉज म्हणजे ओवर हे करायचं होतं. एक पुढच्या नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी आर स्टार्टिंग वी वॉन्टेड टू मर्ज अ बॅच बट दॅट हॅज नॉट वर्क क्लिअरली, त्यामुळे थोडा इश्यू होतोय. सो इन दिस वीक मोस्टली यू नीड टू ऍडजस्ट फॉर हाफ एन आवर अँड देन वी कॅन फिनिश इट अप. ओके, नॉट एन इशू. जे या आठवड्यात संपणार होतं ते पुढच्या आठवड्यात संपेल, बट यू नीड टू प्रॅक्टिस अँड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टँड की लायब्ररीज मध्ये काही असं शिकवण्यासारखं नाही आहे. ऑल द बेसिक एव्हरीथिंग यू ऑलरेडी नो, म्हणजे फंक्शन्स, मेथड्स. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज कोणतं फंक्शन कुठे वापरायचं आहे, कोणतं मेथड कसं कॉल I करायचं आहे, काय can't कॉल reach internet करायचं. right now. Check your modem or router connections and try again. ओके.